3 दिसंबर 1984, मेरी उम्र मात्र 14 वर्ष, भोपाल से लगभग 400 किलोमीटर दूर मेरा घर। सुबह आकाशवाणी पर भोपाल गैस त्रासदी का समाचार सुन रहा हूं और फिर उसके बाद हर इंसान की जुबा से मैं कांप उठा। पता नहीं सर्दी की वजह से या फिर गैस त्रासदी की भयावहता की वजह से। अगले कई सालों तक को जब भी मैं भोपाल का नाम सुनता या भोपाल से गुजरता, मेरे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ भोपाल गैस त्रासदी का ही ख्याल आता। मेरे जैसे और भी हजारों लोग ऐसे होंगे जो भोपाल को सिर्फ गैस त्रासदी की वजह से ही जानते होंगे, लेकिन भोपाल सिर्फ गैस त्रासदी वाला शहर ही नहीं है, बल्कि ये शहर ऐसी भीषण त्रासदी को हराने वाले लोगों का भी शहर है। ये बात मुझे उस वक्त पता चली जब मैं खुद भोपाल में बस गया। भोपाल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, सब कुछ सामान्य। अब मैं भोपाल को गैस त्रासदी वाला शहर नहीं, इसे अपना शहर कह रहा हूं। अब ये फिर से हॉकी की नर्सरी है, अब ये एजुकेशन हब है, अब ये फिल्म सिटी है, अब ये पर्यटन स्थल है, अब ये वो सब कुछ है जो अपने एक शहर में होना चाहिए। लेकिन 1 नवंबर 2014 को समाचार पत्रों की एक खबर ने मुझे फिर पीछे धकेल दिया। मैं फिर 3 दिसंबर 1984 में खो गया। मैं फिर भोपाल से 400 किलोमीटर दूर अपने पुराने शहर में घूमने लगा। आखिर क्या थी वो खबर जिसने मुझे पीछे धकेला? वो खबर थी यूनियन कार्बाइड कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन की मौत। हर रोज की तरह 2 दिसंबर 1984 को भी भोपाल अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा है। शाम हो चुकी है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, लोग चहलकदमी कर रहे हैं। रात हो चली है, लोग अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं। माँ बच्चे को लोरी गाकर सुला रही है। नार 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 ना, नार नार ना। रात की चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में समेट लिया है। शहर गहरी नींद में सो रहा है। रात का लगभग 1 बजा है। रात की चादर धीरे से मौत की चादर में तब्दील होने लगी। बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने से खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होने लगा। अचानक शहर का माहौल बदल गया। जो बच्चे अभी कुछ घंटे पहले किलकारियां भर रहे थे, वही बच्चे चीख रहे थे। जो माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुला रही थी, वही माँ अपने बच्चे को झकझोर कर उठा रही थी। जो लोग शाम को चहलकदमी कर रहे थे, वो बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। महाप्रलय या कयामत कहें तो वो हम लोगों ने देखा। बाहर
जानवरों के साथ इंसान भी पड़े हुए थे। मैं जिस बिल्डिंग में रहा करता था वहाँ के कुछ बच्चे थे, वो अपने परिवार से छूट रहे थे। मैं उनको लेकर उनके परिवार तक भागा। पूरा मोहल्ला सड़क पे था, लाशें दिखी हुई थी। काफी दूर तक हम लोग भागे और हमारे और भी रिश्तेदार थे, सभी लोग हम लोग भाग रहे थे और सब लोग बस भागते हुए दिख रहे थे रोडों पे। कोई गिरा पड़ा था, कोई चिल्ला रहा था, कुछ लोग मिले नहीं, कुछ लोग भीड़ के साथ कहीं के कहीं निकल गए। और मुझे याद है कि मैं अपनी मम्मी की उंगली पकड़ा हुआ था और मेरी जो छोटी बहन थी वो उनकी गोद में थी। और तुझे सर्दी का वक्त था और वो गीली गीली चादरें हम लोगों के ऊपर पड़ी थी, लेकिन वो गीली चादर के पड़ने से ही हमें ये एहसास, मतलब बिल्कुल हम लोग सांस ले सकने की स्थिति में आ गए। लोग भागते भागते थक कर गिर रहे थे, बैठ रहे थे और कोई किसी को नहीं देख रहा था उस वक्त। ये एक जैसे उसको कह सकते हैं कि ये कयामत का मंजर था वो। लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो जो लोग फुटपाथ पर बैठ रहे थे या गिर रहे थे या लेट रहे थे, वो दरअसल गिर नहीं रहे थे, मर रहे थे। जो देखा उसको बयान करना शब्दों में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बस ये है कि मौत को एक बार देखा और उसने बख्श दिया, ये उसकी मेहरबानी थी। जिंदगी में पहली बार देखा कि मौत क्या होती है इतने नजदीक से। उस वक्त फिर सांस लेना एकदम दूभर हो गया हम लोगों के लिए। हलक में आ गया दम, सांस लेना दूभर है, तुम्हारे शहर ने ये कैसी हवा दी है मुझे। कुछ मौत भी दिखती थी और कुछ अजीब किस्म की स्थिति थी। उस स्थिति को मैं कहूँगा लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। इतना सफोकेशन और इतना आँखें बर्निंग सेंसेशन हो रहा था। और वाकई हमारे घर में उस गैस का इतना असर था कि जो हमारे यहाँ बल्ब जल रहे थे उनकी रोशनियाँ धीमी हो चुकी थीं। बस अगर 2-3 मिनट और गैस, मतलब हम आपके सामने नहीं होते। और वो सुबह मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। एक चिड़िया नहीं बोली, एक कौवा नहीं बोला, कोई बर्ड नहीं थी। सन्नाट वाली सुबह। हाथों में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा, वो आज तक नहीं भूल पाते, कभी भी नहीं भूल पाते और शायद कभी भी भूल पाएंगे। शहर खामोश हो गया था। सब कुछ उजड़ चुका था। देखते ही देखते लगभग 3,500 लाशों का अंबार लग गया। हमारे फादर, हमारे मदर इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छे दोस्त उसमें नहीं रहे, बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं रहे जिन्हें हम जानते थे, जो बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह थे, वो लोग नहीं रहे। वक्त गुजर जाता है, यादें रह जाती है। मौत तो क्या है कि ऊपर वाले ने लिखी है, लेकिन इस तरह से आती है तो बापू होना स्वाभाविक है। कुछ लोग तन से टूटे तो कुछ मन से टूट गए। कल्पना हम करें कि एक पूरा ग्राउंड लूट जाए, उसके बाद आप कैसा फील करते? तो ऐसा लगता था कि एक रौनक चली गई शहर की। इसमें मानसिक पीड़ा का तो कोई पैमाना नहीं है, वो इतनी अधिक थी जाहिर है कि हमारे शहर में एक शांत और अच्छा शहर, साफ सुथरा शहर था, और वहाँ अचानक ऐसे हजारों लोगों की मौत एक झटके में हो जाना, उसने काफ़ी पीड़ित किया था हम लोगों को। तीन दिसंबर 1984 की उस भीषण त्रासदी ने शहरवासियों के पास नम आंखें, कसक, अपनों को खोने का दर्द
और कुछ मनहूस यादों के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। इसका रिएक्शन हमें एक साल बाद फिर देखने को मिला जब हम बीएससी फाइनल ईयर में थे। मुझे एहसास ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मैं इनहेल कर गया था, तो पूरा इस स्टमक स्वेल कर गया मेरा और बातचीत करने में दुखने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि पूरा बर्निंग सेंसेशन और वो पूरी हमारा जो है आउटर लेयर स्किन की पूरी बर्न हो गई और जो लोग देख के खौफ खाने लगे। एग्ज़ाम भी मैंने उसी हालत में दिया। कुछ भी नहीं बचा तो आखिर वो क्या था जिसके सहारे गैस पीड़ितों ने इस भीषण त्रासदी को मात दे डाली और उसे हरा दिया। मैंने फिर उसके बाद थोड़ा सा और दो चार साल के बाद शुरू किया कि नहीं, एक ही चीज़ को लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और पूर्व ओलंपियन समीर दाद। वो जो अफेक्ट था वो काफ़ी टाइम तक रहा, मतलब मैं फैमिली में भी सबको देखता था और मुझे भी उस चीज़ का एहसास होता था कि सांस में तकलीफ़ और आँखों में, और मतलब सभी के साथ था वो और काफ़ी टाइम तक रहा वो। लेकिन वो धीरे धीरे सभी ने अपना विल पावर दिखाया और मैं भी छोटा था, फिर धीरे धीरे जब 10 साल 12 साल में मैं पहुंचा तो मैंने जब हॉकी खेलना शुरू किया और सबने इंस्पायर किया, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुम खेलो, खेल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वो चीज़ आगे जाते 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 वो चीज़ उसका जो अफेक्ट था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। चर्चित टीवी एंकर और निर्माता समीना अली सिद्दीकी। उसमें सिर्फ ये था कि जो हम लोगों को शायद शुरू से ये सिखाया गया, पिता को देखा, पिता के साथ जो लोग काम करते रहे उन लोगों को देखा, माँ को देखा, कि ये था कि डरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। और जिसे कहते हैं ना, ये एक प्रोसेस है, आज है कल नहीं होगा, जो आज है तो जो आज है उसको जितना आप समेट सकते हैं अपने अंदर उसको समेट लीजिए और हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते जाना है। और एक कुछ कर दिखाने का जज्बा था। जब मैंने दूरदर्शन न्यूज से पहली दफा दिल्ली से हुकअप से नेशनल हुकअप से बुलेटिन पढ़ा तो भोपाल के कई लोग जो मुझे बचपन से देखते थे उन लोगों के कॉल आए, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इससे भी ऊंचा नाम करना और ये देखना कि जब तुम पीछे पलट के देखोगी तो हम सब तुम्हें आशीष देते हुए खड़े नजर आएंगे। तो वो जो दुआएं उन लोगों की रहीं, जो तो मैं लगातार, हालांकि मेरी लाइफ अभी बताने में बहुत आसान है बट इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल और बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया मैंने और आज यहाँ तक पहुंची। ऊपर वाले का बेहद शुक्रिया कि उसने इस मकाम तक पहुंचाया है। मैनेट भोपाल के प्रोफेसर एवं नैनो साइंस ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर एम मंजर मलिक। फिर आगे स्ट्रगल, पढ़ाई चलता रहा हमारा और अब यह स्थिति है कि बीएससी करने के बाद एमएससी किया, एमएससी करने के बाद फिर मौका मिला हमको पीएचडी करने का, तो फिर हम दिल्ली जाके हमने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद फिर मैं इटली गया तो वहाँ पर पीडीएफ भी ऑफर हुई, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। लेकिन इन द मीन टाइम यहाँ इंटरव्यू कॉल आया, भोपाल में इंटरव्यू दिया यहाँ और यहाँ सिलेक्शन हुआ। तो भोपाल था, भोपाल से एक उनसियत सी थी क्योंकि अपना एक तरह से होम टाउन था, क्योंकि पैदाइश मेरी यहीं की है भोपाल की, तो इसलिए मैं आ गया ताकि यहाँ पर यहाँ के लोगों को और मध्य प्रदेश के लोगों को मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ उनकी तरक्की में। अतीत से आदमी को सीखना चाहिए, अतीत से दुख नहीं भोगना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, मैं और मेरा परिवार भी इसी कोशिश में लगा रहा। अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉमेंटेटर प्रशांत सेंगर। जब करियर की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों से परे हटकर कुछ ज़्यादा सोचना होगा। अपने आप को साबित करने की जो ललक हुआ करती है ना, वो एक पीड़ित व्यक्ति के मन में ज़्यादा हुआ करती है। तो मैं चूंकि खेलों से जुड़ा हुआ था, खिलाड़ी के तौर पर तो बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न नहीं हो पाया, खेलों के बारे में बोलने की शुरुआत कुछ दिन बाद मैंने की, परिवार का सहयोग मिला तो थोड़ा सा आगे बढ़ने का हौसला मिला। ईश्वर की कृपा रहे कि आगे बढ़ा और आज यहाँ हूँ। सुप्रसिद्ध पटकथा लेखक, निर्माता एवं निर्देशक रूमी जाफरी। जिन लोगों को ज्यादा इफेक्ट हुआ था उनको देख के हमको मजबूती मिलती थी कि हमको नहीं हुआ इफेक्ट उतना, ऊपर वाले ने हमको बचाया। और एक आप जहनी तौर से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है फाइट करने के लिए कि नहीं,
गैस होंगी लेकिन हम पे कोई इफेक्ट नहीं है। उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया और उसी ने हेल्प किया आगे जिंदगी में सरवाइव करने के लिए। सिने अभिनेता असीम खान। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये चीज सिखाई कि बेटा हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और अगर कि मैं बचपन से डरा हुआ या सहमा हुआ रहता तो वही चीज आज मैं जवानी में भी अपने वही चीज में इजहार करता अपने अंदर से। तो आई थिंक ये काफी हद तक ये जो नर्चरिंग होती है बच्चों की वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो आई थिंक मेरे माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। जियोलॉजी के प्रोफेसर हबीब उस्मानी। आदमी धीरे धीरे भूलते 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 बहरहाल वो उसकी जो भयावहता थी या जो उसका एक बहुत ही डार्क पहलू था वो धीरे 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 धूमिल हुआ, और उसके धूमिल होने से हमारे अंदर हमारे मनोबल को निश्चित रूप से बढ़ाया, और हम लोग धीरे धीरे वापस अपने जीवन को जो है अपनी पटरी पर लाने में सफल हुए। व्यवसायी तरुण गुरु। और उस चीज को भूल चुके हैं जो ये इससे संबंधित थी, तो ये लगता है कि एक सपना था। उप महापंजीयक श्रीकांत पांडे। मुझे महसूस हुआ कि अगर ये संकट मेरे जीवन में आया है तो इससे उबरने का रास्ता भी हमें इसी जीवन ने दिया है। अगर हम संकट से उबरते हैं तो ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। तो ये वो बात थी जिसने ख़त्म नहीं होने दिया, टूटने नहीं दिया। एक भीतरी टूटन जो है, अगर आपकी इच्छा शक्ति के साथ उसकी टकराहट होती है तो आपका आत्मबल अगर वो प्रिवेल करता है तो आप सुरक्षित रहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं और जिंदगी में बने रहते हैं जैसा कि मैं हूँ। चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार। अपनों के खोने का गम और उससे उभारने के लिए जज्बा यही रहा कि भाई कुछ करना है अपने लोगों के लिए, तो वो बस वही एक चीज़ जो इंस्पायर करती रही अपने आप को। वो एक ट्रेजडी थी, एक घटना थी। हमारे घर में भी सिलेंडर होता है, वो भी लीक हो सकता है, तो लगता था कि ये हमें अपने आप को कुछ मतलब कुछ करना है खुद के लिए, शहर के लिए, लोगों के लिए। आज अगर हम लोगों को अगर एक पट्टी भी बांध देते हैं तो एक तसल्ली होती है कि हम कुछ कर रहे हैं। एंडरसन की मौत की खबर मुझे 30 साल पहले ले गई थी, लेकिन अब आज मैं फिर वापस वहीं आ गया हूं, अपने शहर भोपाल में। अपने उन होनहार गैस पीड़ित दोस्तों के बीच, चाहे वो लेखक हो, भाई स्क्रिप्ट तैयार हो गई, कलाकार हो, लेबल ठीक है शुरू करूं, तकनीकी सहयोगी हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से इस रूपक का निर्माण किया है, अपने उन गैस पीड़ित शहरवासियों के बीच जिन्होंने अपनी लगन और इच्छा शक्ति से न सिर्फ अपने आप को बल्कि शहर को एक नई पहचान दी है, जिन्होंने गैस त्रासदी को मात दी है, जो गर्व से कह रहे हैं और उसे हरा दिया।